साथियों नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेवेंट एक नया टॉपिक आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ओवरऑल डायमेंशन ऑफ व्हीकल यानी वाहनों के अधिकतम परिमाप। साथियों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो इनसे संबंधित रोड सेफ्टी और मोटर व्हीकल रेगुलेशन रिलेवेंट कोई भी नया वीडियो आपको तुरंत मिल सके। तो अपन चालू करते हैं ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द व्हीकल्स। ओवरऑल डायमेंशन ऑफ व्हीकल यानी वाहनों के अधिकतम परिमाप, यानी कि भारत की सड़कों के ऊपर जो भी वाहन चलते हैं उन वाहनों का जो अधिकतम परिमाप क्या होना चाहिए, यानी कि अधिकतम उसकी लंबाई, अधिकतम उसकी चौड़ाई और अधिकतम उसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 93 के अंदर इनके बारे में दे रखा है कि भाई अधिकतम परिमाप इनके क्या होने चाहिए, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमम विड्थ, अपन यहाँ पे टू व्हीलर और थ्री व्हीलर को छोड़कर इनके अलावा जो वाहन है उनके बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो N1 कैटेगरी, N2 कैटेगरी, N3 कैटेगरी, जैसे कि आपको पता होगा N कैटेगरी होती है वो गुड्स व्हीकल के लिए होती है, M कैटेगरी पैसेंजर्स व्हीकल के लिए होती है, और T कैटेगरी ट्रेलर्स के लिए होती है, और B कैटेगरी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स के लिए होती है। तो भारत के अंदर जो भी ये वाहन है उनकी जो अधिकतम चौड़ाई है, अधिकतम चौड़ाई 2.6 मीटर दे रखी है किसी भी वाहन की, लेकिन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के केस में 3 मीटर्स और मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलर्स है उस केस में भी 3 मीटर्स होती है, अदरवाइज मैक्सिमम चौड़ाई है वो 2.6 मीटर दे रखी है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के अंदर जैसे 3 मीटर दे रखी है, लेकिन उसमें एक कंडीशंस दे रखी है, एक्स्ट्रा विड्थ पेंटेड विद येलो एंड ब्लैक जेब्रा स्ट्रिप, यानी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल होता है उसके अंदर जो 2.6 मीटर से ज़्यादा जो एरिया है यानी कि 0.4 मीटर का, उसके ऊपर ब्लैक एंड येलो से जेब्रा स्ट्रिप की लाइनिंग बनी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा कोई ऐसा लोड है जो इनडिविजिबल लोड है, यानी जिस लोड के टुकड़े नहीं किए जा सकते, तथा ऐसा लोड जिसको कि ऐसी मशीनरी जिसको कि इजीली डिसमेंटल नहीं किया जा सकता है, अगर कोई ऐसा लोड कैरी करते हैं तो उसके अंदर चौड़ाई के अंदर 200-200 mm दोनों साइड के अंदर छूट दे रखी है। ये 200 mm, 200 mm ऐसा कोई लोड है तो उसके अंदर ये छूट दे रखी है, लेकिन ये छूट भी कंडीशनल है, यानी कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन है 2.6 मीटर के बाहर है तो इस पोर्शन के ऊपर रिफ्लेक्टिव पेंट्स या रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप लगी होनी चाहिए, तथा रियर के अंदर यहाँ पे रेड लाइट्स, लोड के ऊपर रेड लाइट्स लगी होनी चाहिए, तथा आगे की ओर फ्रंट के अंदर, लोड्स के फ्रंट के अंदर व्हाइट लाइट लगी होनी चाहिए, तो ही यह एग्जेम्पशंस अलाउ है, अदरवाइज यह एग्जेम्पशंस अलाउ नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें। ये तो ये मैंने बताया था मैक्सिमम विड्थ के बारे में, यानी कि सभी की 2.6 मीटर है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 3 मीटर और मॉड्यूलिक हाइड्रोलिक ट्रेलर के अंदर 3 मीटर होती है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई लोड है, इंडिविजिबल लोड है जो टूटने लायक नहीं है, तो उस लोड के अंदर 200 mm की छूट देगी, लेकिन वो छूट कंडीशनल है, उसमें रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स, रिफ्लेक्टिव पेंट, रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप लगी होनी चाहिए, और उसमें लाइट लगी होनी चाहिए जो रात्रि के समय दिख सके। मैक्सिमम परमिसेबल लेंथ कितनी होती है, लेंथ के लिए हर एक व्हीकल के लिए अलग अलग लेंथ दे रखी है। जैसे सबसे पहले N1 कैटेगरी है, N1 कैटेगरी के लिए मैक्सिमम लेंथ 6.5 मीटर्स। उसके बाद N2, N3 और T के लिए, N2 और N3 के लिए होती है 12 मीटर्स, N3 कैटेगरी के लिए 18.75 मीटर। उसके बाद है M3 के लिए 13.5 मीटर अगर सिंगल एक्सल है तो, और डबल एक्सल है तो 15 मीटर। उसके बाद बी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है सिंगल एक्सल में है तो 12.75 मीटर, और मल्टी एक्सल में मोर देन 2 एक्सल है तो 18 मीटर, और मॉड्यूलिक हाइड्रोलिक ट्रेलर है उसके अंदर अगर 8 एक्सल है मैक्सिमम तो 19 मीटर उसकी लेंथ हो सकती है। तो लेंथ अलग अलग दे रखी है सबकी। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है ट्रेलर की लेंथ के अंदर, ठीक है ना। ट्रेलर में क्या होता है, लेंथ के अंदर सबसे पहले तो ट्रेलर का जो मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेलर का मैन्युफैक्चरिंग IS 113 के अकॉर्डिंग टू ही होना चाहिए, ठीक ना। अब उस जो प्रोटोटाइप जिसने ट्रेलर मैन्युफैक्चर ने पास करवाया है उसके अंदर ये मैक्सिमम लेंथ उसकी परमिसिबल लेंथ ही दे रखी होती है, लेकिन फिर भी बहुत ट्रेलर बिना उसके जो स्टैंडर्ड नॉर्म से उसके बिना बने हुए होते हैं। तो ट्रेलर्स के अंदर लेंथ के अंदर
एक चीज देखिए, सबसे पहले लेंथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, लेंथ होती है सब्जेक्ट, परमिसेबल लेंथ इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ओवरिंग 60% ऑफ द व्हील बेस, यानी कि लेंथ के अंदर व्हील बेस से 60% से ज्यादा उसका ओवरहैंग नहीं होना चाहिए, लेंथ की सबसे बड़ी ये कंडीशन है, सब्जेक्ट टू है। अब व्हील बेस क्या होता है और ओवरहैंग क्या होती है, जैसे इस डायग्राम से समझिए, ये एक टू एक्सल व्हीकल है, तो दोनों एक्सल के जो सेंटर के बीच की दूरी है वो कहलाता है व्हील बेस, और जो रियर एक्सल है, रियर टायर से जो व्हीकल का रियर मोस्ट पॉइंट है उसके बीच की दूरी कहलाती है ओवरहैंग। तो ये जो ओवरहैंग है दिस शुड बी लेस देन 60% ऑफ द व्हील बेस, यह व्हील बेस से 60% से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है लेंथ के अंदर। अब अगर ये पीछे टू एक्सल लगे हुए हैं तो टू एक्सल के लिए अंदर व्हील बेस क्या हो जाएगा, ये आगे फ्रंट एक्सल, ये हो गया पीछे के एक्सल, पीछे के एक्सल के बीच की जो सेंटर की दूरी है यह दूरी यह व्हील बेस कहलाती है। और इस केस में ओवरहैंग क्या हो जाएगा, ओवरहैंग जो पीछे का एक्सल है, पीछे के एक्सल से जो रियर मोस्ट पॉइंट है ये हो जाएगा ओवर हैंग। तो ये ओवर हैंग है, ये भी व्हील बेस का 60% से ज़्यादा नहीं होना सकते। अब आता है सबसे बड़े ट्रेलर के बारे में दिक्कत, ठीक है ना। ट्रेलर की लेंथ ऐसे तो टोटल लेंथ दे रखी है 18.75 मीटर होनी चाहिए, लेकिन इसने भी सब्जेक्ट है कंडीशन दे रखी है, हॉर्स और जो ट्रेलर है ये दोनों एक दूसरे पर जहाँ पे सुपर इम्पोज होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, जो जिस पॉइंट से जुड़े रहते हैं उसको कहते हैं थर्ड कपलिंग या फिफ्थ गियर। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है थर्ड कपलिंग का, इस थर्ड कपलिंग से लेके जो ट्रेलर का रियर मोस्ट पॉइंट है वो 12.45 मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन साथ में है इस लेंथ के, लेंथ इतनी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा, यानी कि 12.45 ये हो जाएगी और बाकी ये हॉर्स की लेंथ हो जाएगी, वो 18.75 के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो आप ट्रेलर के लिए जो स्पेशली ट्रेलर मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा अपने वो ट्रेलर की लंबाई चेक करें कि लंबाई बराबर है या नहीं। अब है मैक्सिमम हाइट, लोड व्हीकल की मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए। मैक्सिमम हाइट के लिए N1 कैटेगरी है, उसके लिए 3 मीटर्स दे रखी है। N2 कैटेगरी, N3 कैटेगरी, N T कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी के लिए जो हाइट है वो हाइट अगर ऑर्डिनरी बॉडी बनी हुई है तो उसकी हाइट होगी 4 मीटर, अगर क्लोज बॉडी बनी हुई है, बंद बॉडी है, कैरिंग ISO सीरीज कंटेनर, यानी कि जो फ्रेट कंटेनर्स होते हैं, ठीक है ना, वो कंटेनर ले जाने वाला व्हीकल है जिस प्लेटफॉर्म पे कंटेनर लोड होता है, वो फैब्रिकेटेड रेफ्रिजरेटेड कंटेनर है, तो इस केस में जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो 4.52 से ज़्यादा मीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती है। इसके अलावा व्हीकल कैरियर, यानी कि जो नए वाहन होते हैं जो मैन्युफैक्चर से लेकर डीलर्स या कोई भी एक्सपोर्ट के पॉइंट तक ले जाते हैं लोडिंग के लिए, तो उनके जो व्हीकल कैरियर होते हैं, इसके अलावा लाइव स्टॉक कैरियर यानी कि जो पशुधन को कैरी करते हैं, यानी कि गाय भैंस वगैरह को, वो और इनडिविजिबल लोड, यानी कि जो डिविजिबल लोड नहीं हो सकता है, उस केस के अंदर जो इसकी ऊंचाई होती है वो 4.75 मीटर होती है, 4.75 मीटर मैक्सिमम होती है। उसके बाद टिल्टिंग लोड बॉडी यानी टिपर डंपर है, उस केस में भी 4.2 मीटर होती है। इसके अलावा बस, स्लीपर बस 4 मीटर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल 4.75, और मॉड्यूलिक हाइड्रोलिक ट्रेलर में भी 4.75 मैक्सिमम हाइट दे रखी है, यानी कि अधिकतम से अधिकतम ऊंचाई चाहे वो गुड्स व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल हो, बस 4.75 मीटर दे रखी है, इससे ज़्यादा हाइट अलाउ नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है व्हीकल कैरियर, लाइव स्टॉक कैरियर के अंदर, है ना, इसके अंदर ये भी कंडीशनल है, ठीक है ना। अब सबसे पहले व्हीकल कैरियर मैक्सिमम 2 डेक, यानी कि व्हीकल कैरियर है अधिकतम उसके अंदर 2 डेक ही बने हो सकते हैं, 2 डेक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर वो 2 व्हीलर व्हीकल कैरियर है तो उसके अंदर 3 डेक्स अलाउ है, लेकिन उसका जो प्रोजेक्शन है पीछे की बॉडी का उसके कैबिन के ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे ये प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन यहाँ पे अलाउ बिल्कुल नहीं है बॉडी के ऊपर, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है आर्टिकुलेटेड ट्रक ट्रेलर, देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ 400-3 mm स्लाइडिंग इंस्पेक्शन विंडो फॉर वेरिफिकेशन। जैसे मैंने बताया था कि भाई ये व्हीकल कैरियर है, व्हीकल कैरियर के 4.75 मीटर इसकी हाइट दे रखी है, लेकिन यह कंडीशन केवल व्हीकल कैरी करते समय ही है,
ऐसे नहीं है कि मैंने बॉडी तो व्हीकल कैरियर की बना ली है और जाते समय व्हीकल लेके और आते समय मैं दूसरा मटेरियल लोड करके ले आया, तो दूसरा मटेरियल लोड करते समय यह अलाउ नहीं होगा, ठीक है, यह हाइट आपको अलाउ नहीं होगी। केवल स्पेशली रूल्स के अंदर व्हीकल कैरियर के लिए ही दे रखी है। तो अच्छा, अब व्हीकल कैरियर उसमें भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है, इसके लिए एक प्रोविजन दे रखा है, उसके जो ट्रेलर है ट्रेलर के अंदर दो मिनिमम दो 400 बाई 300 mm, 400 × 300 mm की दो स्लाइडिंग विंडो होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी इंस्पेक्शन अथॉरिटी है वो इंस्पेक्शन कर सके, वेरीफाई कर सके कि भाई इसके अंदर व्हीकल ही लोड है और इसके अंदर टू डेक ही बना हुआ है, यह कंफर्म कर सके। तो ये स्लाइडिंग विंडो भी मस्ट है ट्रेलर के अंदर बनी हुई, यानी कि लेंथ भी कंडी मस्ट है और ये दोनों भी स्लाइडिंग विंडो भी मस्ट है, तभी आप ये व्हीकल कैरियर में छूट प्रदान की गई, अन्यथा छूट प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट है फोर एम कैटेगरी, व्हीकल एयर कंडीशनिंग यूनिट, यानी कि जो स्लीपर बसें वगैरह होती है या जो बसें होती है बसों के अंदर ऊपर एसी यूनिट लगी होती है, तो एसी यूनिट को भी उसको मैक्सिमम हाइट जो 4 मीटर हाइट है उससे एग्जेम्पशंस दे रखा है, यानी कि 4 मीटर से ज़्यादा वो एसी यूनिट लगी हुई हो सकती है। नेक्स्ट है फायर एस्केप टॉवर वैगन एंड अदर स्पेशल पर्पज व्हीकल, यानी कि जैसे आपको पता है फायर एस्केप जो टेंडर्स होते हैं, इसके अलावा जो बूम लिफ्टर्स वगैरह होते हैं या लेडर्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो स्पेशल पर्पज के व्हीकल होते हैं उसके लिए रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को पावर्स दे रखी है कि वह अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई व्हीकल जब सड़क पे चलेगा तो उस समय उसमें कोई प्रोजेक्शन नहीं है, और जब व्हीकल जहाँ पे यूज होगा उसके उस समय उसकी वो लंबाई वगैरह उसकी बढ़ सकती है, तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को पावर्स दे रखी है, अगर वो सही है तो वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये थे अधिकतम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं व्हीकल मैन्युफैक्चरर, वो टाइप अप्रूवल टेस्टिंग अथॉरिटी से टाइप अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद वो व्हीकल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो जिन व्हीकल के लिए टाइप अप्रूवल कंपलसरी हो गया है, ठीक है ना, जैसे कि ट्रेलर बस, स्लीपर बस, मोटर कारवान, एम्बुलेंस, स्कूल बस, इनके लिए टाइप अप्रूवल कंपलसरी हो गया और EIS नॉर्म्स, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड्स है वो कंपलसरी हो गए, तो ये जो उनका व्हीकल का मैन्युफैक्चर है वो केवल उनके अकॉर्डिंग टू ही बनेंगे। लेकिन जिनके लिए नेसेसिटी नहीं किया गया है, जिन व्हीकल के लिए, तो उन व्हीकल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग होगा उस व्हीकल का जो कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे कि जैसे इसके ऊपर लगे बॉडी बनाते हैं, तो वो जो है बॉडी वो जो मोटर व्हीकल रूल 93 के अंदर जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, इस प्रोविजंस के अंतर्गत ही, डायमेंशन के अंतर्गत ही उसकी बॉडी बननी चाहिए। अब भाई मेरी बॉडी मैंने गलत बना दी या मैंने गलत लोड कर दिया, तो मैंने क्या ऑफेंस किया, क्या इसका जुर्माना होगा, क्या गलती की, तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि आपने अल्टरेशन कर दिया और एक है कि आपने एक्सेस प्रोजेक्ट लोड कर दिया, यानी कि एक तो है कि जो बॉडी बननी चाहिए जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं बने और उसके बाद में आपने अल्टरेशन कर दिया, ठीक है ना। तो अल्टरेशन में के अंदर आपने मोटर वाहन के अधिनियम की धारा 52 के अंदर आपने अपराध कारित किया है, और अपराध के लिए अगर किसी मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर और डीलर ने वो अपराध कारित किया है, तो उस केस के अंदर उसको 1 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं। और ये कहिए अगर व्हीकल ओनर ने अपराध कारित किया है, तो सेक्शन 182A4 के अंदर उसको 6 माह की सजा व 5,000 रुपये सच अल्टरेशन, यानी कि प्रत्येक अल्टरेशन के जितने अल्टरेशन किए उसने उसकी सजा उसको हो सकती है। उसके अलावा एक्सेस प्रोजेक्शन है, यानी कि मैंने एक्सेस प्रोजेक्शन लोड किया व्हीकल के ऊपर, तो सेक्शन 194(1)(a) के अंदर 20,000 रुपये जुर्माना तय किया गया, तथा जो एक्सेस लोड है साथ में, ठीक ना, प्रोजेक्टेड लोड है, उस प्रोजेक्टेड लोड को भी हटाना पड़ेगा, ठीक ना। और तो ये मैक्सिमम 20,000 रुपये है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने जो एनफोर्समेंट स्टाफ को जो कंपाउंडिंग पावर्स देती है उसके हिसाब से अपने राजस्थान के अंदर इस एक्सेस प्रोजेक्शन के अंदर 5,000 रुपये निर्धारित कर रखे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको मैक्सिमम विड्थ, लेंथ और हाइट बताई है इसके बारे में। इसके अलावा आप देखते होंगे कि जब कोई भी बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़ी मशीनरी होती है, बड़े कोई पार्ट्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरे तरफ ले जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत ही मल्टी एक्सल ट्रेलर के अंदर या बहुत ही कोई बड़े व्हीकल्स के अंदर ले जाना पड़ता है, तो उस केस के अंदर जो ट्रांसपोर्टर होता है उस ट्रांसपोर्टर को भारत सरकार से
मूर्त से यह परमिशन लेनी पड़ती है और नोटिफिकेशन जारी कराना पड़ता है कि भाई इस लूट के लिए यह मैं लूट यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ले जाऊँगा, तो इसके लिए मुझे अलग से परमिशन, व्हीकल की परमिशन दी जाए या अलग से उस लूट कैरिंग करने की परमिशन दी जाए। तो उस केस में सरकार द्वारा केवल उसी व्हीकल के लिए, उसी लोड के लिए और एक निश्चित रूट के लिए ही परमिशन दी जाती है, वो हमेशा उस लोड को या उस व्हीकल को नहीं चला सकता है। तो स्पेशली आप जब भी चेकिंग में रहें तो हमेशा ये देखें कोई एक्सेस बड़ा लोड जा रहा है, कोई बड़ी मशीनरी जा रही है, बड़ा व्हीकल जा रहा है, तो उससे आप डिमांड कर सकते हैं ड्राइवर से या उसके व्हीकल ओनर से कि भाई इसका नोटिफिकेशन कहाँ है, क्योंकि वो प्रेस्क्राइब नॉर्म से एक्स्ट्रा है उसका, तो निश्चित ही उसने नोटिफाइड ना करा रखा होगा उस रूट के लिए, उस लोड को लोडिंग अनलोडिंग होने तक के लिए। साथियों, ओरल डायमेंशन के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऑलवेज बी ए लॉ ओबीडियंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।